चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर गहमा गहमी जारी है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक हम कल मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक वाराणसी की निचली अदालत सुनवाई ना करे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था और इस मामले की कल सुनवाई करने की अपील की थी। वही मस्जिद कमेटी की तरफ से आज ही मामले की सुनवाई की अपील की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान जाएंगे और इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। सुलिवन ने व्हाइट हाउस में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि हमारा मानना है कि यह समिट यह प्रदर्शित करेगा कि लोकतंत्र काम करता है तथा साथ मिलकर काम कर रहे ये चार देश खुले एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत के सिद्धांत की रक्षा करेंगे, उसे बरकरार रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि बाइडेन टोक्यो में एक नई एवं महत्वाकांक्षी आर्थिक पहल की नींव भी रखेंगे। नए आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक मसौदा लाया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज दोपहर 3:15 पर दिल्ली में सीएम भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी, बीबीएमबी और किसानों के मसले पर चर्चा किए जाने की संभावनाएं हैं। बता दें कि कल किसानों से हुए समझौते के दौरान सीएम भगवंत मान ने खुद इस बारे में जानकारी दी थी कि वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसमें वह राज्य की बॉर्डर सिक्योरिटी, बीबीएमबी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिक्र योग्य है कि राज्य के किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने की तैयारी में जुट गए थे। इसके बाद सीएम मान व किसानों के बीच हुई मीटिंग में कुछ मांगों को लेकर समझौता हो गया, जिसके बाद किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन बंद करने का फैसला लिया। लेकिन अभी भी किसानों की कुछ मांगे लंबित हैं, जिन्हें लेकर आज सीएम मान दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1969 बेंच के अधिकारी बैजल को नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 5 साल से अधिक के कार्यकाल में बैजल का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और शासन संबंधी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी नीत सरकार के साथ अक्सर टकराव हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने 2018 में बैजल के कार्यालय में धरना भी दिया था। वहीं बैजल का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब 3 नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और केंद्र ने 3 निगमों के एकीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके बाद चुनाव होंगे। नए उपराज्यपाल को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। सूत्रों के मुताबिक लक्षद्वीप के मौजूदा प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, पूर्व नौकरशाह राजीव महर्षि और सुनील अरोड़ा का नाम भी चर्चा में है। हालांकि अभी तक बैजल का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए सरकार की ओर से नए नाम को लेकर कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। लोगों पर महंगाई की मार कम होती नजर नहीं आ रही है। देश की जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। आज गुरुवार को एलपीजी गैस के दामों में इजाफा हुआ है और इसी के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए प्रति सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपए हो गई है। वहीं कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,029 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे के बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 2,354 रुपए पहुंच गई है। वहीं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कीमतें 2,454 रुपए, 2,306 रुपए और 2,507 रुपए होंगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग विवाद के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है। दरअसल कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ का प्रमोशन करने के लिए वाराणसी पहुंची हैं। इस दौरान मीडिया ने जब कंगना से ज्ञानवापी मस्जिद से मिले शिवलिंग के दावों पर सवाल किया तो एक्ट्रेस ने हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। कंगना ने कहा कि जैसे मथुरा के कनकन में भगवान श्री कृष्ण हैं, अयोध्या के कनकन में भगवान श्री राम हैं, वैसे ही काशी के कनकन में महादेव हैं। उन्हें किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है,
इसके बाद कंगना ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामनगरी अयोध्या में हिंदू आस्था को लेकर विवादित बयान दिया है। वाराणसी के ज्ञान व्यापी सर्वे पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन गया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों ही इशारों में बाबरी मस्जिद को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब रात के समय मूर्तियां रख दी गई थी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से सियासी राज छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति बताया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान से लगता है कि उन्होंने चुनाव परिणाम से कुछ सबक नहीं सीखा, यह उनका हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी ऐसी भाषा स्वीकार नहीं होगी और उन्हें हिंदुओं से माफी मांगनी होगी। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में गर्मी ने कहर बरपा रखा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं और इस वजह से जगह जगह लंबा जाम लग गया है। सोमवार से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। तेज बारिश और आंधी से जगह जगह काफी नुकसान हुआ है। उधर बाढ़ से असम में हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ और भूस्खलन में कई जगह वाहन पलट गए हैं। इस बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में भी भारी बारिश के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई घरों में पानी भर गया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोविड के केस में एक दिन के अंदर करीब 30% का उछाल आया है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 2,364 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 1,829 केस आए हैं और आज नए केसों के बाद एक्टिव केसों की संख्या एक बार फिर से 15,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि पिछले दिनों में कोविड के नए मामलों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।